ऑल वेदर चार धाम रूट को लेकर गुरुवार को एनजीटी ने अपना फैसला सुरक्षित रख दिया। पूरे मामले पर वरिष्ठ वकील और याचिकाकर्ता के वकील संजय पारिक ने कहा कि ये सरकार एक ठेकेदार से भी बदतर व्यवहार कर रही है। संजय पारिक से बात की हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे ने। एक तरफ पर्यावरण, दूसरी तरफ चार धाम पूरे प्रोजेक्ट की एक्सपेंशन की बात की जा रही है। अब जो है ऑर्डर जो है एनजीटी ने सुरक्षित कर लिया है। सर, काफ़ी आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ें कहीं कि इन्वायरमेंट की जो है धज्जियाँ उड़ रही हैं, जो कानून जो है, और वहाँ ज़मीन पे पेड़ काटे जा रहे हैं। वक्त बहुत कम है क्योंकि काफ़ी डैमेज हो चुका है, ऑर्डर रिजर्व्ड है। आपकी तरफ से क्या लगता है कि कोर्ट इन आर्ग्यूमेंट्स की तरफ देखेगा और आपका ऑर्डर देगा आपकी तरफ? मैंने तो बड़े स्पष्ट तौर से कहा और जो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आए, क्योंकि उनकी प्लीडिंग सिर्फ ये है, हमको सबको मालूम है कि 900 किलोमीटर ये जो उनको चारधाम यात्रा का नेशनल हाईवे को उन्होंने डेवलप करना है, उसको उन्होंने सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके कि 100 किलोमीटर से अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर एनवायरनमेंट क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है। वही पॉइंट है जिसको डिसाइड करना है और इस पॉइंट के ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी दिए हैं। तो आज की डेट में सिचुएशन ये है कि जितना भी उन्होंने अभी 26,000 से ज़्यादा पेड़ों को काटा है और जो हिल स्लोप्स वगैरह हैं उनको बिल्कुल वर्टिकल तरीके से काट करके उसका जितना मक है वो वैलीज के अंदर जा रहा है, जो नदियों गैर कानूनी है, जो नदियों तक पहुँच रहा है, ये सारा गैर कानूनी है। क्योंकि बिना एनवायरनमेंट क्लियरेंस के, प्रायर एनवायरनमेंट क्लियरेंस के, आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। मार्क डंपिंग तो सर अलाउड भी नहीं है। तस्वीरें दिखाई हैं, वीडियो दिखाई हैं आप? हम लोगों ने दिखाया है सब वीडियो कि किस तरीके से डाल रहे हैं और वो पूरा का पूरा मक मंदाकिनी में और गंगा की दूसरी ट्रिब्यूटरीज है उनके अंदर जा रहा है। तो जब ये उसमें नदियों में चला जाएगा, अभी जो बरसात होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बरसात होने वाली है इसके अंदर जो ह्यूज मक उन्होंने रखा हुआ है वो सारा बह करके नदियों में जाएगा। और जो श्रीनगर में ट्रेजेडी हुई थी उसी तरीके हुई, क्योंकि जब इसमें इतना चला जाएगा तो बह करके वो लोगों के घरों के अंदर घुसेगा, तबाही करेगा। ये सब चीज़ें हैं, मुझे लगता नहीं है 2013 में जब ये हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया, उसके बाद में एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी जिसमें उन्होंने कहा कि जहाँ तक पूरे हिमालयन इकोलॉजी की बात है ये सारा ही सेंसिटिव है। जो पहाड़ कटे हैं उनका कोई सपोर्ट नहीं है, जो लोग तीर्थयात्री वहाँ से जाएंगे उनके ऊपर भी उनके लिए खतरा है क्योंकि ऊपर से गिर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है, ना आप इस तरह की सपोर्टिंग वॉल ऊपर तक बना सकते हैं। एक तो ये खतरा है, दूसरा ये कि जो नदी का मैंने बताया कि उसमें मक चली जाएगी तो नदी के अंदर जो नदी तो अपने में ख़त्म होगी लेकिन सारी जो मक बह करके और गंगा की उसमें जाएगी उससे क्या क्या हानियाँ होंगी मुझे मालूम नहीं। इसमें मतलब ये कि जैसे हमने ट्रेजेडी वहाँ पर देखी श्रीनगर वगैरह में, फ्लैश फ्लड्स वगैरह आते हैं, ये होने की सारी संभावना है। मुझे लगता है कि बहुत डिज़ास्टर्स है, ये गवर्नमेंट को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, उनको सोच समझ के काम करनी चाहिए थी, जबकि उनको मालूम है 2013 में केदारनाथ के अंदर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया पारिक साहब, बता रहे थे हमें कि जो ट्रेजेडी तो है एकदम हो सकती है, और ना केवल मनुष्य के लिए बल्कि इन्वायरमेंट के लिए जो परिणाम हो रहे हैं जो केदारनाथ में देखे गए, तो क्या वो सारे सबक किसी ने नहीं सीखे, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। और बारिश आने वाली है, इस बारिश से क्या होगा, और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि साधु संत समाज भी जो है जुड़ा हुआ है याचिकाकर्ताओं के साथ, उनका कहना है कि जिस कारण के लिए लोग आते हैं चार धाम, अगर आप वही नष्ट कर दें तो फ़ायदा क्या, सोच समझ के सड़क बनाइए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा, ये याचिकाकर्ता कह रहे हैं। अब जो है अंतिम फैसला एनजीटी करेगी, उन्होंने अपना ऑर्डर सुरक्षित रख लिया है। नई दिल्ली में सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।